मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा, जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इनके पास नारे तो नए नए हैं, अब कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री का सपना देख रहे हैं, जिनके वचन में कोई दम, मतलब कहने और कथनी में अलग अलग हो, क्या कहा और क्या किया इसका जनता को आकलन करना पड़ेगा। और अभी लोकसभा में जो नौजवान कूदे हैं, ये सही बात है कि सुरक्षा और वहां पर सुरक्षा जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, अगर ड्रीम प्रोजेक्ट में जो लगभग 25,000 करोड़ का बना है वहां की सुरक्षा ऐसी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साजिश भी है और षड्यंत्र भी है, क्योंकि कहीं इसी बहाने सरकार की कोई तैयारी तो नहीं है, कहीं इंटरनल सिक्योरिटी और सुरक्षा के बहाने लोगों को डराने की तैयारी तो नहीं है। एक तो सवाल वो खड़ा होता है और दूसरा सवाल खड़ा होता है, कई प्रतिष्ठित अखबारों ने कहा कि नौजवान बहुत त्रस्त थे, नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी, इसी वजह से घूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूदे। जा रही है जिलों में, सुना है कुछ दिनों पहले सरकार ने यह कहा कि निवेश के लिए जमीन चाहिए, जो सरकार 2 साल होने वाले हैं अगर निवेश के लिए जमीन नहीं ढूंढ पाई है तो निवेश होगा कहां पर? आपके जिले में भी कहीं ना कहीं जमीन चिन्हित करने की कोशिश की होगी, तो बताइए निवेश के लिए जमीन ढूंढ रहे हैं और जो निवेश के लिए सब कुछ तैयार है वो आधा अधूरा पड़ा हुआ है। एम्बुलेंस इन्होंने बर्बाद कर दी, पुलिस को बेईमान इन्होंने बना दिया। अभी मैं आया हूँ, कई लोगों ने मुझे जानकारी दी कि पुलिस किस तरह अन्याय कर रही है उनके साथ। यहाँ बैठे लोग हैं, राजेंद्र हैं, बैठे हैं, इनके साथ कितना अन्याय हुआ, मुझे होम सेक्रेटरी तक कहना पड़ा, तब थोड़ी बहुत राहत मिली होगी उन्हें। तो ये स्थितियां हैं, अपने आप व्यवस्था कर ले कोई पुलिस के लिए तो पुलिस मदद कर देगी या निष्पक्ष कार्रवाई हो जाएगी, अगर आपने व्यवस्था नहीं की तो पुलिस आपके पीछे पड़ जाएगी और अगर आप भी सच्ची खबर दिखाओगे तो हो सकता है आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए।